हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। हेलो बच्चों, नाउ वी आर स्टडिंग द नेक्स्ट लेसन ऑफ आवर बाल भारती इंग्लिश बुक लेसन नंबर 12 डॉक्टर डूलिटल लर्न्स एनिमल लैंग्वेज। एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने एनिमल की लैंग्वेज सीख ली। तो कैसे सीखी? How can he do, but we can't. वो कर सकते हैं लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एनिमल की जो लैंग्वेज है किस तरह सीखी, ये पूरा इस लेसन में दिए वाला है। इसके बाद आप भी ट्राई कर सकते हो एनिमल की लैंग्वेज सीखना। तो देख लेते हैं लेसन में कि हमारे जो डॉक्टर डूलिटिल है इन्होंने एनिमल की लैंग्वेज किस तरह सीखी। Now listen doctor, said Polynesia, and I will tell you something. Did you know that animal can talk? एक कोई पॉलिनेशिया है वो बोल रही है कि डॉक्टर सुनो, एनिमल्स भी बात करते हैं। मैं ये बात आपको बताने जा रही हूं। आई नो द पैरट्स, पैरट्स कैन टॉक, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा हाँ मुझे पता है पैरट्स बात करते हैं, आपने भी तो पैरट्स को बात करते सुना होगा। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ मुझे पता है कि पैरट्स, ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेजेस, पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज, सेड पॉलिनेशिया प्राउडली। अभी देखो आपको समझ में आएगा ये पॉलिनेशिया कौन है, एक पैरोट है। वो क्या बोल रही है फिर डॉक्टर को, नहीं डॉक्टर देखो पैरोट्स तो बात कर सकते हैं लेकिन हम पैरोट्स जो है ना दो तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, एक आप लोगों की पीपल वाली और एक हमारी बर्ड वाली लैंग्वेज से बात करते हैं। उसे बहुत अभिमान फील हो रहा था ये बात समझाते हुए डॉक्टर को। If I say Polly wants a biscuit, you understand me. But hear this, काका इकी फिफी। पॉली ने आगे कहा कि अगर मैं कहूंगी कि मुझे बिस्किट चाहिए आप समझ लोगे क्योंकि ये पीपल की लैंग्वेज है, लेकिन बर्ड के लैंग्वेज में उसे मैं काका इकी फिफी बोलूंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये बर्ड की लैंग्वेज हो गई। Good Georgius, cried the doctor. What does that mean? डॉक्टर खुश हो गए। डॉक्टर बोले क्या इसका मीनिंग क्या होता है काका किकी का? That means is the product hot yet in birds language? इसका मतलब है कि ये जो खीर है ना प्रोजेक्ट मीठे वाली अभी भी गर्म है क्या, ये इसका मतलब हो गया। My, you don't say so, said the doctor. You never talked that way to me before. डॉक्टर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने ऐसे पहले कभी कहा ही नहीं, तुमने इस तरह से मेरे से कभी बात ही नहीं की। What would have been the good, said Polynesia, dusting some biscuit crumbs over her left wing. You wouldn't have understood me if I had. उसने क्या कहा कि इसमें क्या इतना खुश होने की या फिर गुड की बात है, आपने जो पंख पे उसके बिस्किट का क्रम लगा था वो अपने विंग पे से हटाते हुए वो आगे बोल रही है कि मुझे पता था तुम्हें समझ में नहीं आएगा इसीलिए मैंने वैसे आपसे कभी कहा नहीं, मैंने बर्ड के लैंग्वेज में आपसे इसीलिए बात नहीं की क्योंकि आप वो नहीं समझ पाओगे, ये मुझे पता था। Tell me some more, said the doctor, all excited, and he rushed over to the dressing drawer and come back with a notebook and a pencil. Now don't go too fast and I will write it down. This is interesting. डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट लगी क्योंकि वो पहली बार लैंग्वेज सीखने जा रहे थे बर्ड्स की। उन्होंने कहा पॉलिनेशिया से कि तो जो भी है ना मुझे बताओ, और वो जल्दी से भागते हुए कबर्ड के पास गए, वहां से एक ड्रॉवर में से नोटबुक और पेन लेके आए और पॉलिनेशिया से कहने लगे कि जो भी है ना धीरे धीरे बताना है, मैं ये पूरा नोट डाउन करके ले लूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्विट न्यू, Give me the birds ABC first slowly now. और आगे डॉक्टर ने अपने बर्ड से कहा, पॉलिनेशिया से कहा कि पहले मुझे ABC सिखा देना, मैं अभी लिख के ले रहा हूं, थोड़ा सा एकदम कम स्पीड में बताना। So that was the way the doctor come to know that animal had a language of their own and could talk to one another. And all the afternoon, while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table, giving him bird words to put down in the notebook. अभी पहली बार डॉक्टर को समझ में आया कि बर्ड या एनिमल की उनकी खुद की लैंग्वेज होती है, और बाहर बारिश चल रही थी,
पॉलिनेशिया किचन के टेबल पे बैठे वाली थी और वो वर्ड के लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स डॉक्टर को बता रही थी और डॉक्टर उसे लिख के नोट डाउन करके ले रहे थे। एट दी टाइम व्हेन द डॉग जिप कम इन पैरोट सेड टू द डॉक्टर सी ही इज टॉकिंग टू यू। अभी चाय का टाइम हो गया, उनका जो छोटा सा पपी था डॉग था वो अंदर आ गया और वो कुछ डॉक्टर से कहना चाहता है, तो पॉलिनेशिया बता रही कि देखो तुम्हारा पपी अब से कुछ कह रहा है। Looks to me as though he were scratching his ear and said the doctor, वो क्या कर रहा है अपने जो ear से वो थोड़े से खींचे जैसे कर रहा है और डॉक्टर को कह रहा है। ऐसी जबान वाली भाषा नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज वाली भाषा चल रही है यहाँ पर डॉग की। But animal don't always speak with their mouth, said the parrot in a high voice, raising her eyebrows. They talk with their ears, with their feet, with their tails, with everything. अब आगे पॉलिनेशिया कहती है कि हर एक जो बात होती है ना, हम एनिमल बात करके ही नहीं समझाते हैं, हम अपने नाक से, कान से, बॉडी लैंग्वेज से, हर एक चीज से आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो डॉग है वो अपने बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहा है। समटाइम्स दे डोंट वॉन्ट टू मेक अ नॉइस, डू यू सी नाउ द वे ही इज ट्विस्टिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज। अभी पॉलिनेशिया आगे कहती है कि हमें नॉइस करना बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए हम ज्यादातर बात नहीं करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से ही बात करते हैं। देखो तुम्हारे डॉग की तरफ वो अपना नोज जो है वो ट्विस्ट कर रहा है, एक साइड में लेके जा रहा है, तो ये आपसे कहना चाह रहा है। व्हाट डज दैट मींस, आस्क्ड द डॉक्टर। डॉक्टर को नहीं समझ में आया, डॉक्टर ने पूछा पॉलिसी की क्या कहना चाह रहा है वो। दैट मींस कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, पॉलिनेशिया आंसर्ड। पॉलिनेशिया ने कहा कि वो डॉग आपसे कहना चाह रहा है कि क्या आपको नहीं दिख रहा है बाहर बारिश रुक गई है, इस तरह से आपसे पूछना चाह रहा है। ही इज आस्किंग यू क्वेश्चन, डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। अभी पॉलिनेशिया आगे कहती है कि जो डॉग्स होते हैं ना अपने नोज से ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, और ये जो डॉग है ना आपको बोल रहा है कि क्या आपको नहीं दिख रहा है बाहर बारिश रुकी है, यानी इसको घूमने को जाना है ना इसीलिए। After a while, with the parrot's help, the doctor got to learn the language of the animal so well that he could talk to them himself and understand everything they said. और इसकी मदद से, इस पॉलिनेशिया के हेल्प से डॉक्टर ने एनिमल की लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख ली और हर एक बात अभी उनको समझ में आने लगी। Then he gave up being a people's doctor altogether. अभी वो पीपल के डॉक्टर बन गए हैं, इन लोगों के डॉक्टर बन गए हैं, जो एनिमल्स को कुछ प्रॉब्लम है या फिर एनिमल को कुछ चाहिए, एनिमल के कुछ सवाल है, तो ये सब डॉक्टर को अब समझ में आते हैं। और ये उनको सिखाई जो लैंग्वेज वो उनकी पैरट जो थी जिसका नाम पॉलिनेशिया था उसने सिखाया था। और ये जो स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल बाय हंग लॉफ्टिंग, ये स्टोरी एक बड़े बुक में से लिए वाली है जिसका नाम है बुक क्या, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल, जिसने हंग लॉफ्टिंग नाम के किसी राइटर ने ये लिखी है। नीचे थिंग्स टू डू है, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, तब तक के लिए सिर्फ स्टोरी सुनो, समझ लो, आप भी ट्राई करो एनिमल की लैंग्वेज सीखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।